भोजपुरी नहीं आती, तो आपने पूरी फिल्म आखिर में कैसे किया? वो तो मैंने किस साइड से ट्यूशन लेकर के करी है भोजपुरी पिक्चर पूरी, क्योंकि जब भी वो भोजपुरी के तो एकदम महारत है, तो जब भी मुझे कुछ भोजपुरी में नहीं आता था तो मैं उनसे जाती थी, पूछती थी, बताई बताई इसको कैसे बोलना है, ऐसे करके मैंने पूरी पिक्चर कंप्लीट कर ली। बट मुझे आ जाता था, बिकॉज मुझे समझ में भी आती है, खाली ये है कि कुछ चीज़ें इम्प्रोवाइज़ करनी होती थी तो मैं उनसे पूछ लेती थी, और ऐसे तो बहुत सारी सी लाइन्स लिख करके तो आई थी और इम्प्रोवाइज़ में उनके साथ में करवाती थी। और आपका जिस तरह से हिंदी के बाद आपने भोजपुरी में एंट्री की, और सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि टीवी सीरियल और फिल्म में कितना डिफरेंट है, क्योंकि दोनों करने में आपने किस में कंफर्टेबल रही हैं? टीवी और ये हमारी पिक्चर, उसमें पिक्चर मेरी ऐसी भोजपुरी पिक्चर मेरी फ़र्स्ट टाइम थी, तो डिफरेंसेस तो होते हैं, बहुत सारे होते हैं। जब हम शो का शूट करते हैं तो एक एक चीज़ को करने में बहुत सारी सी मेहनत लगती है, मीन्स एक शॉट के लिए भी हम 50 जगह की तरफ जाते हैं और कैमराज लगाते हैं, बहुत सारे से एंगल होते हैं, बहुत सारे से शॉट होते हैं, एक ही चीज़ों के बहुत सारे से शॉट होते हैं। लेकिन जब हम पिक्चर की बात करें तो ऑब्वियसली हमारी 75mm पे वो चीज़ दिखती है, तो हम उतने सारे से शॉट्स नहीं लेते हैं उसके, कुछ ही टेक्स होते हैं, तो वो रहता था, मुझे लगता है पिक्चर में काम हम जल्दी कर लेते थे ऐसा। तो कंचा जी, सुनने में आया है कि फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट शूट के टाइम में कंचा जी गिर गई थी अपनी गाड़ी पर स्कूटी चलाते टाइम, तो क्या हादसा हुआ था आपके साथ? हाँ ये मेरे साथ एक सुपर एक्सीडेंट हुआ था, और मुझे लग रहा था कि पता नहीं उसके बाद मैं उठ करके काम कर पाऊँगी कि नहीं, लेकिन हाँ एक्सीडेंट हो गया। मैं स्कूटी चला रही थी और स्कूटी चलाते चलाते मैं गिर गई, और गिरने के बाद क्या था, मेरे पैर से ब्लीडिंग हो रही थी और मुझे बस ये डर था कि मेरे कपड़े नहीं फट जाए कुछ, क्योंकि सब शूट के ही कपड़े थे, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, बस मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि मुझे शॉट देना है, शॉट फिनिश करना है और बहुत अच्छे से करना है। एक्सीडेंट हुआ बस समझ में नहीं आया, उसकी चोट का दर्द मुझे आज होता है, लेकिन काम मैंने बहुत अच्छे से कर लिया तो वो हो गया, बट टाइम मुझे बहुत दर्द होता है इस समय। गिरने के बाद कांचा जी ने ये नहीं सोचा कि मुझे रेस्ट करना चाहिए या मैं फिल्म नहीं चलाऊँ, ऐसा कुछ नहीं सोचा था? नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है आकांक्षा अवस्थी की लाइफ में कि गिर गई, चोट लग गई, घर बैठ जाऊँ, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मेरी लाइफ में बस एक ही चीज़ होती है, शो मस्ट गो ऑन। मुझे वो काम पूरा करना था, फिनिश करना था, तो मैंने काम पूरा किया, फिनिश किया, और मैं ऐसा मेरे दिमाग में सोच आती भी नहीं है कि अब गिर गई हूँ तो काम कैसे होगा, मतलब ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, बस मैंने काम किया और काम बहुत अच्छा किया उस दिन। खूब रोमांटिक सीन के हीरो को खूब मैंने लुक सुख सब दिए थे, स्कूटी से ही दिए थे। तो लुक शॉट आपने दिया, आपने बात की, और केसारी जी कहा जाता है कि भोजपुरी के सुपरस्टार है, तो कितना कुछ प्यार दर्शाया, कितना कुछ रोमांटिक नजर आई वहाँ सेट पे आकांक्षा? रोमांटिक नजर आई, एक्चुअली आकांक्षा को ना पहली बार रोमांटिक दिखा गया होगा सेट पे, तो रोमांस करने से पहले भी, और मीन्स लाइक ऑब्वियसली केसारी जी थे रोमांस के बादशाह हैं, वो तो रोमांस कैसे करना वो भी सब सिखा देते हैं, तो जब मुझे कई बार वहाँ पे ऑब्वियसली रोमांटिक देखा गया, बिकॉज उनके साथ मेरे रोमांटिक सीन सॉन्ग और सब कुछ था। फाइट सीन्स में भी जो होते हैं आप इमोशनल भी होते हैं, तो भी आप हीरो के लिए तो ऑब्वियसली रोमांटिक ही रहते हैं, तो रोमांटिक मतलब लाइक आपका प्यार रहता है, कंसर्न रहता है, तो वो सब था। तो मुझे कई बार रोमांटिक देखा गया और मैंने बहुत ऐसे ऐसे लुक वुक दिए थे, शर्माई भी थी कुछ, बहुत मस्ती करी थी मैंने। तो रियल लाइफ में भी तो आकांक्षा जी को देखो तो वो शर्माना बिल्कुल बिंदास वाली घर नजर आती, तो ये शर्माना कहाँ से सीखा, वो भी क्या केसारी जी ने सिखाया? नहीं नहीं, तो वो सब वो अगर केसारी जी मुझे शर्माना सिखाएंगे तो फिर कैसे होगा, मतलब एक्ट्रेस नाम की कोई तो चीज़ है मुझ में, जिसलिए मैं भोजपुरी पिक्चर की हीरोइन बन के गई थी, तो इतनी एक्टिंग तो मुझे आती है, कैसे शर्माना है और कैसे उल्लू बनाना है ऑन स्क्रीन मुझे समझ आया। जा रही थी तो आपको भोजपुरी के बारे में कुछ जानकारी थी कि आप फिल्म के साथ फिल्म करने वाली हैं, और फिल्म में कौन कौन से स्टार कास्ट हो, भोजपुरी में कौन कौन से स्टार कास्ट है? भोजपुरी में स्टार कास्ट तो हाँ, मीन्स आप स्टार्स के बारे में तो सुन करके रखते हैं, और लेकिन जब हाँ मैं भोजपुरी में पिक्चर करने जा रही थी तो उसके पहले मैंने बहुत, सबसे पहले जब मुझे बताया गया मैं खेसारी लाल यादव जी के साथ पिक्चर करने जा रही हूँ, तो मैंने देखा और यूट्यूब सर्च किया, बहुत कुछ उनके बारे में मैंने जाना है, और जानने के बाद तो मुझे लगा कि हाँ मीन्स लाइक मैं बहुत बड़े किसी सुपर स्टार के साथ काम करने जा रही हूँ। उसके बाद ही एक्चुअली मैंने भोजपुरी के बारे में जो भी जाना है इस पिक्चर को करने के दौरान, और इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ पहले ही मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा था, और हीरोइनों के बारे में जाना, हीरोज़ के बारे में जाना, तो बस मैंने इतना ही जाना है। अभी भी मैं मुझे बहुत कुछ जानना बाकी है, मैंने कुछ खास इतना कुछ ज़्यादा जाना नहीं है, बस वही जानती हूँ जो मैं करके आई हूँ। तो
तो आपको मामी जी के बहुत सारे किरदार में लोगों ने देखा है, पसंद किया है हिंदी में, लेकिन भोजपुरी में जिस तरह से आप फिल्म में आई हैं, तो किस तरह के किरदार में नजर आ रहे हैं और क्या कुछ नया देखने को मिलेगा दर्शकों को इस फिल्म में? हाँ, मुझे यहाँ पे एक स्कूल टीचर हूँ मैं, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ यहाँ पर, और ये मेरा काम है जो मैं मूवी में करती हूँ। और मेरे किरदार का नाम कुसुम है, मेरे डैडी बहुत अच्छे हैं, मेरी माँ नहीं है इस पिक्चर में, तो बस माँ बाप का प्यार उन्होंने ही मुझे दे करके रखा हुआ है। तो मैं बहुत ही सॉफ्ट और थोड़ी सुशील, घर संभालने वाली एक प्यारी सी लड़की हूँ, जो मैं एक्चुअल लाइफ में बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ, बहुत शैतान हूँ उधर मैं, मगर बहुत प्यारी सी लड़की हूँ। और दूसरा एक इस पिक्चर में मैंने ही एक कुछ ऐसा भी काम करके रखा है जो आप सब लोगों को देखने की, पिक्चर देखने के बाद ही पता चलेगा, जो आपके लिए एक सस्पेंस है। और दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहेंगे काजल जी? जिस तरह से हिंदी के दर्शकों ने आपको प्यार दिया, तो भोजपुरी में एंट्री है तो दर्शकों का प्यार मिलना भी बहुत जरूरी है, तो दर्शकों से क्या कुछ अपील होगी आपको? दर्शकों से मेरी ये अपील है, पहली बात तो मैं अपने इन्हीं सारे दर्शकों से जानना चाहती हूँ, जो भी मेरा इंटरव्यूज़ देख रहे हैं या जिन्होंने नहीं देखे हैं, तो आप प्लीज़ उन लोगों को ज़रूर दिखाएगा। मैं जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है, मुझे भोजपुरी पिक्चरों में आगे काम करना चाहिए, मैं आपको कैसी लगी और आप क्या चाहते हैं, मैं आपके व्यूज़ चाहती हूँ और आप मुझ में क्या क्या सुधार देखना चाहते हैं और आप मुझे आगे और किसके साथ और कैसे देखना चाहते हैं। तो मुझे ये सब चीज़ें तो आपसे ही जाननी है, और यही मेरी दर्शकों से अपील है कि प्लीज़ मुझे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और प्लीज़ आप मुझे बताइए कि आप मुझसे और क्या चाहते हैं, और डेफिनेटली मैं आप लोग जो भी मुझसे चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, मैं उस पर खरी ज़रूर उतरूंगी, मैं मेहनत करूंगी। थैंक यू।